हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है गाइस, ये 10 से 15 दिन पहले की वीडियो है। मैं कोई अभी वीडियो शूट उट नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मेंटली, बहुत ज़्यादा दादी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो इससे बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में लगी रहूँगी। तो थोड़ा सा मेरा माइंड उस तरफ से निकल के इस तरफ आए। सच में मैं बता नहीं सकती हूँ, वो सब मैं बातें नहीं करना चाहती हूँ। अभी तो जो लिखा रहता है वो तो होता ही है। कढ़ाई को धो के रखी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ घी निकालने के लिए। तो अभी इसमें मलाई जो है, ये मतलब एक घंटे से ये सारे डब्बे हैं जो मैं बाहर निकाल के रखी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये एकदम फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में था तो बिल्कुल बर्फ जम चुका है ये। तो 1 2 3 तीनों में मलाई है। अभी और भी मलाई फ्रीज में रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो अभी देख सकते हैं लोग, इसमें भी मलाई रखा हुआ है। तो ये तो आधा डब्बा हो गया, तो ये मलाई मैं यूज नहीं करूंगी, इसको रख देती हूँ। हाँ, तो ये मैं फ्रीजर में रख दूंगी। और ये देखिए मलाई का क्या बुरा हाल हुआ है, तो बिल्कुल ये खराब हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत टाइम से मैं घी निकाल नहीं रही हूँ, तो इसलिए ये तो अभी कचरा में जाएगा। तो ये सब फ्रेश है मलाई, और बाकी ये मलाई मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब ये भर जाएगा, उसके बाद फिर एक दो डब्बा हो जाता है तब मैं निकालती हूँ। तो आप लोग जैसा कि देखें कि बहुत सारा मलाई ऐसे ही मतलब हो जाता है। तो देखिए सब बर्फ जम चुका है सब में। तो एक दो घंटा से ये मलाई बाहर है, इसीलिए ये निकल जा रहा है इजीली, नहीं तो इसको निकालने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे निकल रहा है, बिल्कुल एकदम बर्फ जमा हुआ था फ्रिज में। तो ये सब मैं निकाल के इन सबका घी निकाल दूंगी। घी की तो काफ़ी सारा ज़रूरत पड़ता है, तो इतना ही काफ़ी है, इनफ है, बहुत सारा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारा मलाई है। तो अभी ये सब मैं क्लीन करके इसमें डाल दूंगी, तो ये घी हमारा बन जाएगा। इस पे ही धीरे धीरे हो जाता है। तो ये पूरा कढ़ाई भर के मेरा मलाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं डालूंगी तो ये फिर जब बॉयल होने लगता है तो फिर बाहर गिरने लगता है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्लो पे रखूंगी इसको, और फिर इसको घी निकलेगा। ये मैं सोची हूँ कि आप लोगों से थोड़ी बातें भी हो जाएगी और वीडियो शेयर भी कर दूंगी। ये बहुत ही पुराना वीडियो, अभी मैं तो कोई वीडियो अभी शूट नहीं कर रही हूँ। मैं फर्स्ट रमज़ान के दिन तक का वीडियो शूट की, उसके बाद से सेकेंड रमज़ान को तो मेरी दादी ही नहीं रही हम लोग के बीच। तो उस दिन, उसके बाद से मैं कोई वीडियो अभी तक कुछ भी शूट नहीं की हूँ, ये पहले की वीडियो है। तो मैं सोची थोड़ी सी आप लोग से बातें कर लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ये वीडियो तो आप लोगों को पता ही है, इसका शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत पहले की वीडियो है। तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं आज मैं कैसे क्या कर रही हूँ, बस मैं कुछ बातें हैं जो आप लोग से कर लूँगी, तो मेरा दिल थोड़ा सा हल्का फील होगा। ऐसे भी अकेले इंसान जब रहता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा साथ में कोई रहता है तो मतलब अपनी बातें शेयर करके थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, होता है ना, मतलब बचपन की हर बातें याद आती है, हर बात। दादी के मैं बहुत ज़्यादा करीब थी, बहुत ज़्यादा मेरे साथ, बहुत वो पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ले जाना, जहाँ भी दादी जाती थी मुझे लेके जाती थी, हर वो बात मुझे याद आता है। पता नहीं था कि इतनी जल्दी चली जाएंगी। गाइस, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इससे बाहर निकलूँगी,
थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, माइंड बस माइंड में बस वही सब बातें चल रही है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है कैसे क्या हुआ, कैसे दादी आंखों के सामने चली गई, सब कुछ मतलब ऑल बचपन से लेके अभी तक का जो भी कुछ हुआ सब कुछ एक एक लाइन बाई लाइन सब कुछ याद आता है। मैं सोची कि मुझे तो वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा, बहुत सारी वीडियो है गाइस अभी, मतलब ये वीडियो के बाद बहुत सारी वीडियो है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। अभी मैं खुद को रिकवर कर रही हूँ, 3 दिन हो गया, मैं मतलब 3 दिन से ही रोते 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 आँख बहुत ज़्यादा सूज गया, बहुत ज़्यादा होता नहीं है दिल में दर्द, वैसे ही दिल में दर्द हो गया, लगता है जैसे कुछ खो गया है जिसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पर मिल नहीं रहा और नहीं कभी मिलेगा। अभी मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे फीवर है, बहुत स्ट्रेस में रहते रहते थोड़ा सा हो गया होगा, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं ठीक हो जाऊँगी मैं बहुत जल्द। आप लोग दुआ करिएगा कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ फिर से पहले के जैसे। तो इसके मतलब ये वीडियो के बाद एंड में कुछ, या ये जो वीडियो मेरा चल रहा है आज के दिन, मतलब मेरे बगल में वो होता है ना संगीत, मतलब हम लोग के यहाँ रजग्गा बोलते हैं, तो वही है। तो लोग कहना था जिस दिन का ये वीडियो उस दिन की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा, तो ये वीडियो बहुत पुराना है, मैं इसी बात बार बार बोल रही हूँ, तो इसलिए तो वो सब क्लिप मैं इसमें ही जोड़ दी हूँ, पहले का ही सब कुछ है मतलब। तो जगह बोलते हैं हमारे यहाँ संगीत जो होता है, तो वही लास्ट में जो भी वीडियो मतलब चलेगा वो सब लास्ट का वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं थोड़ी सी बातें करके अपना दिल थोड़ा सा हल्का शायद फील हो जाए, जो दुख है मतलब जो दादी के जाने के बाद की जो कमी है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, पर पहले जैसे बेहतर होने के लिए ट्राई कर रही हूँ मैं, पर भूल नहीं पा रही हूँ, भूल भी नहीं पाएगा इंसान, कभी सोचा नहीं था इतना जल्दी। बहुत ही अच्छी थी मेरी दादी अभी, बहुत ही मतलब कभी सोचे नहीं थे लोग ऐसा हो जाएगा। प्यार तो हर किसी के दिल में होता है, कुछ लोग होते हैं जो गलत सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, पर कभी सोचना नहीं चाहिए, कोई गलत नहीं होता है, सब अपने हिसाब से अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं, तो जो लोग सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, अपनी सोच को बदलिए। प्यार सबके होते हैं और प्यार हर कोई करता है, चाहे उसके बच्चे 10 हो या 15 हो, पर प्यार सबके लिए बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, जो भी गलत बातें करते हैं ना, तो उनके लिए ये मैसेज था। तो अभी मैं मशीन भी लगा दी हूँ, सारी वीडियो उसी दिन की है गाइस। तो ये न्यू बाइक है जो उसी दिन आई थी, ये मेरी देवर की, तो देख सकते हैं आप लोग। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा कैप्चर की हूँ और ज़्यादा कुछ मैं नहीं शूट उट की हूँ, बस थोड़ा बड़ा, और रात में जो लोग मतलब जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में डाली भी हूँ, तो लड़के उड़के जो है मेरे देवर लोग ही हैं, कोई और नहीं है, तो वही सब वो लोग डांस वांस किए, वही सब है गाइस। मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, आवाज़ बिल्कुल सही नहीं है, गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो आप लोग दुआ करिएगा, मेरी दादी को जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह, इस रमज़ान के पाक महीने में वो गई हैं तो नसीब वाली थी, और उनके कुछ लोग होता है ना दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कभी कभी वही दिल तोड़ देते हैं सच में, तो ऐसा ही कुछ है मेरे भी लाइफ की कहानी। बस मैं उन लोग से इतना ही कहना चाहूँगी, किसी से इतना भी नफरत मत करो, लाइफ अल्लाह एक ही बार दी है, बार बार कभी नहीं देंगे, वक्त निकल जाएगा, इंसान रहता है आज है कल नहीं रहेगा, इसीलिए किसी की इज्जत करना कदर करना आज भी सीख लो। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।